आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फेफड़ों के कैंसर के लक्षणों के बारे में, जिसे हम लंग्स कैंसर भी कहते हैं और लंग्स ट्यूमर भी कहते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इसके लक्षण क्या है, कैसे आप पता कर सकते हो कि यार ये कैंसर फेफड़ों वाला कैंसर है कि नहीं है, इसके जो लक्षण होने हैं वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं और जान लेते हैं यहाँ पर हम। तो दोस्तों, फेफड़ों के कैंसर में कोशिकाएँ क्या होती है, असामान्यता से वृद्धि करती है हमारे शरीर में। पूरी दुनिया में होने वाले कैंसरों में सबसे अधिक फेफड़ों वाला कैंसर यानी लंग कैंसर होता है। पूरे विश्व में यह प्रतिवर्ष क्या होता है, 0 से 5% प्रतिवर्ष रहा है, प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। 5 से 15% मामलों में इसमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, मतलब 5 से 100 में से अगर 5 से 15% जो इसके मामले आते हैं उसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ज़्यादातर बिना किसी लक्षण वाले जो व्यक्तियों में लंग्स ट्यूमर का पता सीने से एक्सरे करने से ही पता चल जाता है। और दूसरी बात यह होती है, अगर हो जाता है तो चेस्ट कम्यूटेट टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैनिंग का अधिक उपयोग होता है। लंग कैंसर की जांच के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन जब भी पेट में किसी असामान्य कारण का पता लगता है तो सीटी स्कैन से एक्सरे छाती के निचले हिस्से की जांच की जाती है। हालांकि लंग कैंसर रोगियों में एक अधिक लक्षण पाए जाते हैं। और लंग कैंसर में क्या होता है, इंडोग्राफी की जाती है, जिससे मतलब इसमें अगर आपको लक्षण आ जाते हैं तो आपको क्या होता है, इसके अंदर जो चेस्ट के अंदर आपके जो नाक में से दूरबीन डाली जाती है, जिससे आपके शरीर में जो चेस्ट में है फेफड़ों में से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर निकाला जाता है और उसकी जांच की जाती है, जिसे हम इंडोस्कोपी कहते हैं। उस जाँच में आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सी बीमारी, खासकर कैंसर के लिए जाँच की जाती है। अब दोस्तों, इसके लक्षण में पहले आपको बता देता हूँ कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो लंग कैंसर के जो लक्षण है, लगातार खांसी आना, अगर 3 सप्ताह से लगातार खांसी आ रही है तो फिर आप इसको दिखवा सकते हो, या फिर थूक के साथ खून निकलना, ये भी लंग कैंसर के लक्षण है। खांसी के साथ रक्त आना, यानी बोल सकते हो आप खांसी के साथ आपको खून आना। उसके बाद मुंह में घरघराहट होना या ज़्यादा लंबी सांस लेने में दिक्कत आना, निगलने में दिक्कत आना, खाने पीने में दिक्कत आना, आवाज़ का कर्कश होना या वज़न का लगातार घटते चले जाना, या भूख ना लगना, छाती में दर्द होना या निमोनिया के लक्षण दिखना, बुखार और खांसी के साथ कफ आना, ये सब लक्षण होते हैं लंग कैंसर के। यदि कैंसर मस्तिष्क, हड्डियों या पूरे शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल गया तो इस प्रकार के लक्षण भी देखे जा सकते हैं। उंगलियों के सिरों में असामान्यता है, नाक और छाती के सामने वाले जो हिस्से की नसों में सूजन आना, नाक छाती के सामने वाले हिस्सों की नलियों में नसों में सूजन आ जाना, सांस लेने में दिक्कत के साथ अन्य लक्षण भी दिखे तो तुरंत चिकित्सा में संपर्क करें, यानी आप जाइए अस्पताल और अपना चेकअप कराइए और उसमें आपको जो भी वो बताते हैं उस हिसाब से चेकअप करा के पता करें, क्योंकि इसका अगर जल्दी से इलाज हो जाता है तो ये कवर हो जाता है, नहीं तो कैंसर बहुत मुश्किल है और कैंसर को पकड़ना और उसके ऊपर वर्क करके उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो पहला स्टेज होता है, पहले स्टेज में इसको कवर किया जा सकता है अच्छे से, तो आप जाइए और चिकित्सा यानी अस्पताल से संपर्क करें और अपना चेकअप कराएं। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, इस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।